हरियाणा में उड्डा का फिर से दबदबा, नेता प्रतिपक्ष पद व कमान उड्डा के हवाले। जी हाँ, इस वक्त की और भी बड़ी खबर है, ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी नाजुक तरीके से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन कांग्रेस पार्टी 31 से 37 सीटें पहुंचने में कामयाब साबित हुई और ये चुनाव विशेषकर उड्डा के नेतृत्व में लड़ा गया था। उड्डा को फ्री हैंड किया गया था, चाहे टिकट वितरण हो चाहे संपूर्ण स्ट्रेटजी हो, उड्डा अपना रहे थे। लेकिन अब जो चुनाव हारने के बाद उड्डा का फिर से कांग्रेस पार्टी में दबदबा है और बना रहा है। जो हमारे पास इनपुट निकले हैं उसके मुताबिक हरियाणा में जो नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर हाईकमान ने जो 4 सदस्यीय कमेटी बनाई थी और हरियाणा में भेजी थी और 1-to-1 एक एक विधायक से नेता प्रतिपक्ष को लेकर बात की थी, उसमें से 33 विधायकों ने उड्डा का नाम लिया था और 4 विधायकों ने चंद्रमोहन बिश्नोई का नाम लिया था। आपको बता दें कि चुनाव हारने के बाद ऐसी अटकलें शुरू हो गई थी, ऐसी शुरुआत शुरू हो गई थी कि उड्डा को अब जो है नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया जाएगा। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर सामने आ रही है उसके मुताबिक भूपेंद्र सिंह उड्डा के हाथों में ही कमान, नेता प्रतिपक्ष की कमान सौंपने की तैयारी में केंद्रीय नेतृत्व है और कभी भी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, कभी भी इसका ऐलान हो सकता है। यानी फिर से उड्डा अपना काम दाम संभालेंगे और प्रदेश की कमान भी उड्डा के हिसाब से ही कांग्रेस पार्टी तय करने वाली है, क्योंकि अटकलें ये भी लगाई जा रही थी कि उदय भानु को अपना प्रदेशाध्यक्ष पद से रिजाइन देना चाहिए, खुद भी हार गए, प्रदेश में भी कांग्रेस हार गई। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, अगर फिर भी प्रदेशाध्यक्ष बदला जाता है तो उड्डा के करीबी को ही प्रदेशाध्यक्ष बनाया जाएगा, उड्डा के हिसाब से ही प्रदेशाध्यक्ष बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो काफ़ी समय से जो नेता प्रतिपक्ष की जो अटकलें चल रही थी वो साफ हो गया है कि भूपेंद्र सिंह उड्डा के पास ये रहेगा। आपको बता दें कि अपोजिशन का लीडर बनना भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है, कैबिनेट मंत्री की तरह है, क्योंकि सारी सुख सुविधाएं जैसे मुख्यमंत्री को मिलती है उसी तरीके से नेता प्रतिपक्ष को भी दी जाती है। तो आपका इस विषय में क्या कहना है कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।